ईरान अंदर ही अंदर इसराइल के ऊपर एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक सकता है। हाल ही में ईरान ने पश्चिमी इलाके में एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया है जिसमें चले बम और गोलों की आवाज सुनकर खुद ईरानी जनता खौफ में है। और इसराइल पर हमले को लेकर कई ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि ईरान अगले 24 से 48 घंटों में इसराइल पर हमला कर सकता है। लेकिन इस सब के बीच ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी IRGC ने इसराइल को फिर से अपनी ताकत दिखाई है और उसे यह संदेश देने की कोशिश की है कि ईरान का कहर जल्द ही उसके ऊपर टूट पड़ेगा। दरअसल ईरानी रक्षा मंत्रालय ने अपने ताकतवर मुहाजिर 10 ड्रोन और अपने परिक्रश रडार सिस्टम की नुमाइश की है, लेकिन इसराइल के लिए खतरे की बात यह है कि ईरान ने जिस ड्रोन को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है वो सीधे तेल अविव में जाकर फट सकता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये ड्रोन 24 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ईरानी सेना ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम यानी EW एयरबोर्न और सीबोर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ औद्योगिक बैटरीज और सैन्य उपकरणों की नुमाइश की है। बड़ी बात यह है कि ईरान ऐसा करके इसराइल के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से एक दबाव डाल रहा है कि उसके पास हर इजरायली हथियार का तोड़ मौजूद है। आपको बता दें कि ईरान ने इन हथियारों की नुमाइश रूस की राजधानी मॉस्को के बाहर पेट्रियट पार्क में चल रहे इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2024 में की है। इन हथियारों को लेकर जानकारों का कहना है कि मुहाजे 10 ड्रोन की सीमित रूप से पेलोड ले जाने की क्षमता है। ये हवा से जमीन पर और हवा से हवा में वार करने में भी सीमित पेलोड ले जा सकता है। इसके अलावा इसके दोनों पंख एक एक मिसाइल ले जा सकते हैं जो हवा से हवा में वार कर सकती है। आपको बता दें कि पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान ने मुहाजे ड्रोन के पुराने वर्जन को रूस को सप्लाई किया था जिसका इस्तेमाल रूसी सेना ने यूक्रेन में हमलों में किया था। इसके अलावा ईरान ने रूस को घातक कामिकेज ड्रोन्स की सप्लाई भी की है। हालांकि अगर मुहाजे 10 ड्रोन की बात की जाए तो रूस में इसे ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली शादमानी, जो खातम अल अनबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो इसके अनावरण के वक्त मौजूद रहे। आपको बता दें कि इन अधिकारियों के अलावा रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली और कई ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और इस पूरे समारोह के दौरान ईरान के सभी अधिकारियों ने एक सुर में कहा कि ईरान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने से हिचकेगा नहीं, भले ही वो मिसाइल ताकत हो जो सिर्फ रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। और ईरानी अधिकारियों का कहना है कि तेहरान की सैन्य क्षमता कभी भी समझौते का विषय नहीं होगी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई बार बार ईरान की रक्षा ताकत को बढ़ाने और बनाए रखने पर जोर दे चुके हैं और उनका ये बयान उन लोगों के खिलाफ था जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की मुखालफत करते हैं। आपको बता दें कि हालिया वर्षों में ईरानी सेना के इंजीनियरों और टेक्नीशियंस ने कई तरह के घरेलू उपकरण बनाने में अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली है और इसी वजह से ईरान अब खुद फील्ड आर्मामेंट बनाने में सक्षम है और ईरान अब उन्हीं स्वदेशी हथियारों को दुनिया के कई मंचों पर दिखा रहा है जो सीधा सीधा ईरान की मजबूत होती सैन्य ताकत का संकेत है। आपको बता दें कि मॉस्को में 12 से 24 अगस्त तक चल रही इस एग्जीबिशन में ईरान ने पूरे दमखम के साथ अपनी ताकत दिखाई है। ईरान ने इस एग्जीबिशन में पहली बार अपने कई हथियारों की नुमाइश की है। इसमें सबसे पहला नंबर उसके एयर और रेडार सिस्टम का है जिसे ईरान ने पहली बार पूरी दुनिया के सामने पेश किया है।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली, हवाई और समुद्री रक्षा प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने दिखाया है।